नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके लिए। एक बेहतरीन प्रॉपर्टी लेकर हाजिर हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये नगर निगम में आती है, 1175 स्क्वायर फीट का ये मकान है। साथियों अगर लोकेशन की बात करें तो टेढ़ी पुलिया से आप आगे बढ़ेंगे 3.5 किलोमीटर आगे स्पोर्ट कॉलेज है। स्पोर्ट कॉलेज के बाउंड्री के जस्ट बगल ये मकान है, इकलौता ये मकान है, गेटेड कॉलोनी में है, नगर निगम में आता है, सीवर पड़ा हुआ है, लाइट है, लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, लगभग 300 परिवार यहाँ पर निवास कर रहा है। मेन रोड से अगर हम डिस्टेंस की बात करें कुर्सी रोड से, तो इस मकान की जो दूरी है 500 मीटर की है। यहाँ पर नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, झाड़ू लगती है, सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मकान की। ये जो मकान है 1175, जिसमें इसका जो फ्रंट है 23.5x50 इसकी लंबाई चौड़ाई है, पूरा फेस का मकान है साथियों। तो जो आप ये देख रहे हैं इसका फ्रंट एलिवेशन अगर आप देखें तो बहुत ही प्यारा है। इस मकान में आपको 3 बेडरूम मिलते हैं, 2 बेडरूम का सेट नीचे मिल जाएगा, 1 बेडरूम आपको ऊपर मिलेगा, 1 कार पार्किंग, 1 आप स्कूटी या बाइक, 1 हॉल और मॉडलर किचन आपको देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं मकान के अंदर, जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। साथियों यहाँ पर आपको लोहे का गेट मिल जाएगा, गेट जो कि भारी है, जब आप विजिट करने आएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी ही भारी यहाँ पर आपको गेट लगा के दिया जा रहा है बिल्डर की तरफ से। और ये हम आ जाते हैं पार्क में। साथियों नीचे यहाँ पर सेफ्टी टैंक बनाया गया है और साथ में सीवर भी आपको यहाँ पे मिलता है। नीचे आपको जीने के नीचे आप अगर देखेंगे स्टेयर के नीचे, तो आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप इन्वर्टर वगैरह लगा सकते हैं, या आप इसमें रैक वगैरह भी बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं। साथियों इस मकान में आपको 2 एंट्री मिलती है, 1 सीधे गेस्ट रूम में आप जा सकते हैं, 2 सीधे आप लॉबी में जा सकते हैं। पार्किंग के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर 1 स्कूटी या बाइक आप पार्क कर सकते हैं। यहीं पर समरसेबल पंप नीचे लगा हुआ है जिसका स्टार्टर आगे आपको देखने को मिलेगा। साथियों अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 10x16 की पार्किंग मिलती है, जहां पर 1 SUV जैसी गाड़ी आप यहां पे पार्क कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं गेस्ट रूम में। ये हम आ जाते हैं गेस्ट रूम में। आप अगर गेस्ट रूम में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। जो भी फिटिंग्स की अगर हम बात करें तो अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं। दरवाजों की अगर हम बात करें तो दरवाजों में सेंट्रल लॉक यहां पे लगा के दिया जा रहा है, जो हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, सभी दरवाजों में सेंट्रल लॉक लगा के दिया जा रहा है। विंडो की अगर बात करें तो आपको यहां पे 7x7 की आपको विंडो मिल जाएगी। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पर रहने वाला है। इसमें 3 लेयर आपको मिल जाएंगी, 2 ग्लास की होती है, 1 नेट की होती है, जिससे कि मॉस्किटो वगैरह अंदर ना आए। तो एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी। अंदर से आपको ग्रिल दिया जा रहा है, सपोर्ट है, लोहे का ग्रिल है, ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। सभी स्विचेस यहाँ पे मॉडलर दिए गए हैं, एक अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड सामान यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। वॉलपेपर की अगर बात करें तो हमने अंदर वॉलपेपर यहाँ पे बिल्डर ने लगाया, अगर किसी की डिमांड रहेगी तो वॉलपेपर यहाँ पर एक्स्ट्रा भी लगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप वॉल पे देख रहे हैं तो अच्छी खासी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जो कि वॉल के ऊपर यहाँ पे आप 100 पीसेस वगैरह अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। ऊपर अगर हम छत की बात करें तो फॉल सीलिंग से बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, जैसे आप यहाँ पे ग्लास देख रहे हैं सेम ग्लास आपको यहाँ पे लगा के आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और 100 पीसेस की बात करें तो आप इधर पीछे भी देख लेंगे, एक लाइट भी यहाँ पे 100 पीस में लगाई गई है। अगर हम गेस्ट रूम की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 12x14 का आपको गेस्ट रूम मिल जाता है, जो कि पर्याप्त है। आप देखें तो बहुत अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। बीच में आप चाहें तो यहाँ पे आप कॉटन का पर्दा डाल के आप इसे कवर भी कर सकते हैं। हम पीछे आते हैं तो ये हम आ जाते हैं डाइनिंग एरिया में। साथियों अगर हम डाइनिंग एरिया की बात करें तो ये आपको 12x16 की इसकी आपको लंबाई चौड़ाई मिल जाएगी, जहाँ पर आप 8 से 10 सीटर आपकी बहुत ही आराम से आपको यहाँ पे आप डाल के आप यूज कर सकते हैं। साथ ही चारों तरफ आप घूम सकते हैं, इतना ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है। वॉल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 4 खाने में, जैसा कि पहले हम लोग बनाते थे, आपने पहले हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, इस तरीके से हम डिज़ाइन करते थे, सेम वही डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी। यहाँ पे आप 400 पीसेस आप रख सकते हैं अलग अलग चीज़ों की। पीछे अगर हम वॉल्स की बात करें तो यहाँ पर जो हम वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं। ऊपर की अगर हम बात कर रहे हैं छत की, तो छत में आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर फॉल सीलिंग से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी सारी लाइटें आपको देखने को मिल जाएगी, LED की लाइट लगी हुई है ऊपर जो, और सामने आपका आ जाता है मॉडलर किचन। ये अगर हम मॉडलर किचन की बात करें तो आपको यहाँ पे 9x10 का आपको मॉडलर किचन मिल रहा है, जो कि बहुत पर्याप्त है, क्योंकि मैंने बताया ये मकान जो है
1175 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिससे कि स्पेस यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। नीचे कुछ चीज़ें रखी हुई है तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा असुविधा हो सकती है। बाकी आप जो कैबिनेट वगैरह देखेंगे ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे लगा के दिए जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर चिमनी लगा के दिया जाएगा, बाकी इसमें हाइड्रोलिक चीज़ें लगी हुई हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपने सामान वगैरह आप रख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो भी फिटिंग्स लगेगी, फिटिंग्स की अगर बात करें, सैनिटरी की फिटिंग जो यहाँ पे लगा के दी जाएगी सेरा कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड सामान आपको यहाँ पे लगा के दिए जाएंगे। तो आइए चलते हैं गैलरी से अंदर और आपको हम दोनों बेडरूम दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे OTS की बात करें तो आप देख सकते हैं, ताकि वेंटिलेशन का अच्छा खासा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। आप देखेंगे तो ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए मिल जाएगा। एक यहाँ पर हमारी इंडियन की सीट यहाँ पे लगा के हम लोग दे रहे हैं। आप वाशरूम आप देख सकते हैं, वाशरूम में भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाएगा। फिटिंग अभी लगाई नहीं गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया फिटिंग सारी लगा के दी जाएगी। इंडियन की सीट यहाँ पे लगा के दी जा रही है। इस पूरे मकान में फॉल सीलिंग से डिजाइन किया गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। बाथरूम में भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। बीच में एक आपको गैलरी का पार्ट मिल जाता है, जिससे कि दोनों बेडरूम को हम कनेक्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मास्टर बेडरूम आपको दिखा देते हैं। साथियों ये हमारा मास्टर बेडरूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे वॉशरूम हमारा अटैच होता है। यहाँ पर भी अगर नीचे अगर हम टाइल्स की बात करें तो वुडन पैटर्न पे टाइल का कलर रखा गया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर वाल पेपर लगाया गया है अलग कलर में, और बाहर बिल्कुल ही डिफरेंट कलर में आपको यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। और फॉल सीलिंग से बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। आप एक लैंप आप इस कॉर्नर पे देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइटिंग का भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखा गया है। और इस पूरे मकान में अगर आप देखेंगे तो हर दरवाजों में आपको सेंट्रल लॉक आपको लगा देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड आपको यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। ऊपर आपको एक छिटकनी मिल जाएगी। यहाँ पर भी वेंटिलेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो PVC वाले आपको यहाँ पे डोर देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि इस रूम में भी वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। ये हमारा आ जाता है वेस्टर्न की सीट यहाँ पे लगा के दी जा रही है। अभी काफ़ी सारे सामान हैं जो इसके अंदर रखे हुए हैं। बाकी हम आपको एरिया दिखा देते हैं कितना एरिया है। ऊपर जो है छत में भी फॉल सीलिंग से यहाँ पे काम किया गया है। तो साथियों मैंने आपको मास्टर बेडरूम दिखा दिया, अब हम आपको दिखाते हैं सेकेंड बेडरूम। ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं लुक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीछे वॉल में आपको यहाँ पे डिजाइन दी गई है, अंदर यहाँ पे वॉलपेपर लगाया गया। इसके अंदर अगर आप बेड अगर आप यहाँ डालते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसमें भी लाइटिंग का वर्क हुआ है, ऊपर भी आप देखेंगे तो। इसके साथ ही एक आपको वार्डरोब यहाँ पे दी जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारी एक वार्डरोब यहाँ पे बना के आपको दिया जा रहा है। इस रूम में भी वेंटिलेशन का विशेष ख्याल रखा गया है। पीछे हमारा OTS आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं वॉशिंग एरिया आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है, जहाँ पे 4 फीट की अगर आप देखेंगे तो 4 फीट की आपको यहाँ पे टाइल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा के आप यहाँ पे अपना कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं। ऊपर अगर हम साथियों बात करें तो यहाँ पर जो है ऊपर भी फॉल सीलिंग से डिजाइन की गई है, जो कि हर रूम में अलग अलग डिफरेंट पैनल आपको देखने को मिल सकते हैं डिजाइनिंग का। बाकी अगर आप कोई चीज़ चॉइस करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। एक आपको यहाँ पे घड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बिल्डर की तरफ से दिया जा रहा है। तो आइए अब आपको हम ऊपर लेके चलते हैं छत पे। बाकी जीने पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेलिंग आप देख सकते हैं। नीचे डबल मोडिंग में आपको यहाँ पे ग्रेनाइट देखने को मिल जाएगा। ऊपर अगर आप छत पे आते हैं तो वॉल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल पे आपको डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ डिजाइन। और टफेन के ग्लास यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। अब हम आ जाते हैं थर्ड बेडरूम में, जो कि हमारा इस मकान का थर्ड बेडरूम है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक वॉल पे आपको डिजाइन मिल जाएगी, जो कि अलग अलग कलर से पेंटिंग की गई है। बाकी जो 3 वाले हैं प्लेन रखी गई हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं तो इसमें हम आपको एक वॉल में हम इसमें वॉलपेपर भी लगा के आपको दे सकते हैं। ऊपर की अगर बात करें तो बहुत ही अलग यूनिक डिजाइन यहाँ पर फॉल सीलिंग से किया गया है।
एलईडी की लाइट से काफ़ी अच्छा काम किया गया है। नीचे जैसे आपने खिड़की देखा था, विंडो आपने देखा था, बिल्कुल 7x7 की विंडो आपको देखने को मिलेगी। बहुत कम ही मकानों में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। डोर आप देख सकते हैं, डोर भी अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ब्रांडेड सामान लगा के यहाँ पे दिया जा रहा है। साथियों अब हम आ गए हैं छत पे, आप देख सकते हैं। देखिए ये पूरा मकान जो है पिलर बेस पे बना हुआ है, चारों तरफ इसमें आपको पिलर देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस मकान को बनाने में लगभग 17 से 18 पिलर यहाँ पे हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप विजिट करने आएंगे तो आप स्वयं सारे पिलर आप यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं। मकान मजबूती वाला है क्योंकि पिलर बेस पे ये पूरा मकान है, स्ट्रक्चर इसके काफ़ी मजबूत है। अब बात कर लेते हैं कि इस पर कितना फाइनेंस हो जाएगा, कौन कौन से बैंक से लोन अप्रूव्ड है। साथियों इस पर HDFC, LIC, ICICI, केनरा, UBI बैंक से आप लोन ले सकते हैं। मकान जो है नगर निगम में आता है, अगर हम मेन रोड से डिस्टेंस की बात करें तो 500 मीटर के अंदर की प्रॉपर्टी है। साथियों चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ मकान बना हुआ है, लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं, एक अच्छी सोसाइटी है, तो यहाँ पर भी आके आप रह सकते हैं। साथियों मैंने आपको पूरा मकान दिखा दिया है, अब बात कर लेते हैं इस मकान के प्राइस का। तो इस मकान का प्राइस जो है बिल्डर ने 62 लाख रुपये इसका प्राइस रखा है। ये 1175 स्क्वायर फीट में मकान बना हुआ है, प्लाट एरिया है। अगर हम बिल्टअप एरिया की बात करें तो 1620 स्क्वायर फीट टोटली बना हुआ है। नगर निगम में आता है, डिस्टेंस की अगर बात करें तो मेन हाईवे से सिर्फ 500 मीटर के अंदर है, गेटेड सोसाइटी है, नगर निगम में है, सीवर वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई है। HDFC, LIC, ICICI, केनरा, UBI इन बैंकों से इस पे लोन की सुविधा उपलब्ध है। बात कर लें अगर यहाँ से डिस्टेंस की तो टेढ़ी पुलिया की दूरी यहाँ से 3.5 किलोमीटर की है, चार बाग की दूरी यहाँ से 13.5 से 14 किलोमीटर की है। पॉलिटेक्निक की डिस्टेंस की अगर बात करें तो 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक बटन को प्रेस करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।